नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर और दोस्तों आलू से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें लेकर। आज हम दोस्तों बात करेंगे कि अगेती फसलों पर, आलू की अगेती फसल सबसे पहले ऊना में तैयार होती है दोस्तों, ऊना हिमाचल प्रदेश की, उस फसल पर बारिश का कैसे लगातार कहर जारी है। दोस्तों आज सुबह भयंकर बारिश हुई, भयंकर हवा चली ऊना हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि मेरे को अपने जो मेरे सूत्र है विश्वसनीय उन्होंने मेरे को जानकारी दी। एक साथ बहुत तेज बारिश आई, फिर बारिश हुई, हवा आई, फिर उसके बाद दोस्तों लगातार बारिश का कहर जारी है और लगभग 1.5 घंटे से लगातार, जब तक मैंने वीडियो डाला था अभी तुरंत बारिश हो रही है वहाँ पे। जालंधर कुछ एरिया जो पक्के के आलू की बेल्ट है पंजाब में, दोस्तों वहाँ भी बारिश हुई है। ऊना और हिमाचल से सटा हुआ इलाका है होशियारपुर का, वहाँ भी बारिश ज़्यादा हुई है। अब आप ये समझ लो कि कितने पानी की ज़रूरत है आलू को, ऊपर से बारिश की मेरे ख्याल से ज़रूरत बारिश को आलू को नहीं होती, पर बुद्धिजीवियों को कुछ तो इसका भी फायदा दिखा देंगे। पर मेरे हिसाब से आलू ऊपर से जो बारिश होती है वो आलू के लिए नुकसानदायक ही होती है, जिस स्टेज पे इस समय आलू है वहाँ पे ऊना हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों किसानों ने इंतजाम किया, किसानों ने बता रहे मेरे को कि शर्मा जी वो नक्के वगैरह काट दिए जिससे पानी ढक के अपना नीचे की तरफ चला जाए। ये भी लोग 2 दिन पहले से इंतजाम कर रहे थे क्योंकि नेट बारिश बता रहा था। तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी किसान का नुकसान हो दोस्तों, पर जो अपडेट है वो मैंने आपको दे दिया। दूसरी बात मैं बताऊं दोस्तों, धान की पकी हुई फसल पर काफ़ी नुकसान हुआ है, जो बारिश हुई है खड़ी फसल पर, इससे धान की फसल जो कटने बिल्कुल तैयार पड़ी थी दोस्तों, उन खेतों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। धान की फसल, धान की क्वालिटी ख़राब हो जाती है दोस्तों, और बारिश अगर बेमौसम होगी तो भी आप ये समझ लो जब पकी हुई फसल पर बारिश होगी तो नुकसान हो जाता है। इसलिए जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनके साथ गहरी संवेदना मेरी, और मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं आप सभी किसान भाइयों को मैंने जानकारी दी। और मैं आप सभी किसान भाइयों को दोस्तों बताऊं कि साउथ और महाराष्ट्र की मंडियों में कुछ कुछ आमदनी अब कंट्रोल हो गई है। कुछ मंडियों में जैसे बेंगलोर की बात करें और तिरची की बात करें और मदुरई की बात करें, इन मंडियों में आमदनी कंट्रोल हुई है और सुधार भी हुआ है मंडियों में देखा जाए तो। और बात करेंगे दोस्तों कोल्ड स्टोरों पर, हाँ भीड़ इस समय सब किसान यही पूछ रहे हैं, शर्मा जी आपके यहाँ भी भीड़ के लिए बिक्री के लिए भीड़ लगी हुई है कोल्ड स्टोर पर। तो दोस्तों उस भीड़ का सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे पहले तो वो किसान जिन्होंने आलू का दाना नहीं बेचा वो लोग इस समय बिक्री करने आ रहे हैं, दूसरा वो किसान जिनने लिमिट से ज़्यादा कोल्ड स्टोर से पैसा ले रखा है, और वो लोग दोस्तों उनका सीड जब निकासी होगी, कोल्ड स्टोर मालिकों ने साफ साफ निर्देश दे दिए हैं, पहले आप अपना सब कुछ क्लियर करो, अपनी किर्री बेचो, गुल्ला बेचो और अपना भाड़ा क्लियर करो, उसके बाद अपना सीड को निकाल के ले जाओ। ये दोस्तों थोड़ा सा कर रही है कोल्ड स्टोर मालिकों की तरफ से, क्योंकि उनको भी अपना भाड़ा लेना है, ठीक है। पर दोस्तों एक ऐसा व्यवहार कर किया जाए उससे आगे के लिए व्यवस्था बनी रहे, अगर किसी मार्केट में 50 या 100 दुकान होती हैं, ठीक है, और लिमिटेड ग्राहक होते हैं तो ग्राहकों की पूछ होती है, पूछ ऐसे होती है दोस्तों कि सब अपना व्यवहार बढ़िया करते हैं, क्योंकि और दूसरे के किसान अगर दुकानदार के पास बगल में ऑप्शन है, तुम व्यवहार सही नहीं करोगे दूसरे में चला जाएगा, ठीक है। अब जब अनलिमिटेड ग्राहक पहुंच रहा है और हर दुकान पर 10-10, 20-20 आदमी खड़े हुए हैं, तो दोस्तों किसी का व्यवहार कुछ काम नहीं आ रहा, फिर तो आप लो कहाँ जाओगे, दूसरी पे जाओगे वहाँ भी 10 पहले से तैयार खड़े हुए हैं। तो यही है हाल, लिमिट का बोएं, हाइब्रिड आलू कम से कम बोएं तो अपनी पूछ ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। इस समय तो कोल्ड स्टोर मालिकों के सबके दिमाग में ये है कि अगली साल भी इतनी बम्पर होनी है कि पूछो मत, हाइब्रिड आलू सब किसान बहुत ज़्यादा बोएंगे, वही ऐसी हवा बनाई जाएगी, उसी हिसाब से माहौल बनेगा और उसी हिसाब से बिक्री कराई जाएंगी। तो इस साल बिक्री जो आपने देखी क्या हुआ, आप जो समझ लो बिक्रियों का क्या हुआ, इस समय जब सबसे ज़्यादा भीड़ इसी की है दोस्तों, हमें बीज की निकासी करनी है, हमें अपना आलू बेचना पड़ेगा तभी आलू, और इस चाहे एक दिन में लिमिट है व्यापारियों की 5,000 कट्टा लेने की, वो फिर भी उन्हें 10,000 कट्टा लिया जाएगा और किसी भी भाव सस्ते रेट, किसी भी उल्टे सीधे रेट किसानों का शोषण कराया जाएगा, ये दोस्तों स्थिति रहती है, ठीक है। पर आप सब लोगों को सतर्क रहना है, व्यवहार की सारा कुछ है, अगली साल फिर आएगा लौट के, फिर कोल्ड स्टोरों में भंडारण होगा, ऐसे लोगों का साथ दें जो लोगों ने ईमानदारी के साथ आप लोगों का भी साथ दिया है, ठीक है। यही मेरी तरफ से आप सभी किसान भाइयों के लिए सुझाव है। मंडियों के भाव की दोस्तों बात करें, सबसे पहले बात करेंगे चेन्नई की, तो 25 गाड़ी की आमदनी रिकॉर्ड, एक्स्ट्रा सुपर आलू बिका है 17-18, BBIP ज़्यादातर आलू 15 से लेकर 16 रुपये किलो बिके हैं, हल्की क्वालिटी के 8 से लेकर 9 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में एक काम और हो गया दोस्तों, गाड़ी 2-3 गाड़ी तो शमशाबाद से ऐसी पहुँच गई जो डैमेज हो गई पूरी तरह से, और वो डैमेज आलू पर टूट पड़ गई बेचने की, 8-7 रुपये किलो वो आलू पूरा बेच के ख़त्म करना पड़ा, और जिस पार्टी ने आलू भेजा होगा, जिस व्यापारी ने भेजा होगा दोस्तों, उसको बहुत बड़ा घाटा हुआ। तो ऐसी खबरें सुनकर भी दिल एकदम दहल जाता है कि आप जो सोचोगे कितना बड़ा लंबा चौड़ा एक गाड़ी में उसको व्यापारी को घाटा हुआ होगा। तो दोस्तों यही है, रिस्क हर चीज़ में है, कोई भी काम करूँ मैं, वीडियो बनाता हूँ उसमें भी रिस्क है, ठीक है, मैं खेती कर रहा हूँ उसमें बहुत बड़ा रिस्क है, हर चीज़ में दोस्तों रिस्क है और रिस्क का ही सारा खेल है आजकल दुनिया में। तो रिस्क दोस्तों हर चीज़ में है,
ठीक है, और रिस्क के साथ ही सारे काम है। बात करें पूना मंडी की तो एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी आलू 13-14-15 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी के 12-14 रुपए किलो, और आज हल्के 10-11 रुपए किलो बिके हैं। लगभग 30 गाड़ी की दोस्तों आमदनी है पूना की मंडी में। बात करें गुवाहाटी की, गुवाहाटी मंडी में दोस्तों सुधार है। एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी आलू 16-17 रुपए किलो, आगरा के हल्के 12-14 रुपए किलो, फरुखाबाद के आलू 13-14-15 रुपए किलो तक, हल्की क्वालिटी के 11-12 रुपए किलो। दोस्तों पूना या गुवाहाटी किसी भी मंडी की अगर हम बात करें तो हल्के आलू में और बढ़िया आलू में बहुत ज़्यादा अंतर है। कोल्ड स्टोर पर बढ़िया आलू बिक रहे हैं 600-650 रुपए 37-97 वीवीआईपी, और हाइब्रिड आलू दोस्तों बिक रहे हैं आपके किसी भाव नहीं। हाइब्रिड आलू कुछ 350 की बिक जाए, 400 की बिक जाए, 450 की बिक जाए, तुम्हारा वीवीआईपी हो तब भी 450 लग रहे हैं उसके, क्योंकि हाइब्रिड आलू की डिमांड नहीं है। लोगों को स्वाद अब पता चल गया, लोग खाने के पसंद नहीं कर रहे हैं हाइब्रिड आलू को, ये स्थिति हो रही है। नहीं अगर ऐसा ही होता तो पुखराज की गुल्ली पंजाब में 300-300 रुपये कट्टा मिल रही है। अब जी कंडीशन है, कच्चे में लोग तैयार नहीं है हाइब्रिड आलू को लगाने के लिए, ये खबर है। बात करें तिरछी की तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 19-20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 17-18 रुपये किलो बिक रहे हैं दोस्तों, 10 गाड़ी की आमदनी। बात करें मदुरई की तो एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी आलू 20-21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 18-19 रुपये किलो। बात करें हैदराबाद की दोस्तों 302 वीवीआईपी 17-18 रुपये किलो बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के 13-14 रुपये किलो तक बिक रहे हैं हैदराबाद की मंडी में। और बात करते हैं जयपुर की दोस्तों तो 80-90 गाड़ी की आज आमदनी है रिकॉर्ड। एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी आलू 10-11 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9-10 रुपये किलो, और हल्के 7-8 रुपये किलो। अब इसमें देखा जाए दोस्तों तो जयपुर में इतनी आमदनी पहुंच रही है, घबराहट किसानों के अंदर, आगे कहीं और ज़्यादा स्थिति खराब नहीं हो जाए, इसीलिए मंडियों में सबसे ज़्यादा बहुतायत होती है। दवा के धुआंधार आलू पहुँच रहे हैं, चाहे बिके चाहे नहीं बिके, 20,000 कट्टे फट पे पड़े हुए हैं जयपुर में, ये है स्थिति। बात करें जोधपुर की तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 10-11 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9-10 रुपये किलो, और हल्का 8-9 रुपये किलो, 18 गाड़ी की आमदनी। बात करें दोस्तों बेंगलोर की 26,000 कट्टे की आमदनी, एक्स्ट्रा सुपर जो आलू बिक रहा है वो 17-18 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 15-16 रुपए किलो, और ज़्यादा हल्का दोस्तों बिक रहा है आपका 13-14 रुपए किलो। बात करें दिल्ली आजादपुर की तो 50 गाड़ी की आमदनी, एक्स्ट्रा सुपर जो 84 का सूर्य है वो 950-1,000 आज भी बिक रहे हैं। सूर्य आलू दोस्तों जो समझ लो सूर्य के बीज की भी इतनी डिमांड है कि पूछो मत, पर दोस्तों बीज पैदा नहीं है। एक्स्ट्रा सुपर आलू 950-1,000, आगरा अलीगढ़ का सूर्य 650-800, एक्स्ट्रा सुपर 3797 500-550 रुपये, ये सारे शुगर फ्री आलू के रेट है दोस्तों। हल्की क्वालिटी का 400-500 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर चंदौसी का चिप्सोना 700-750, आगरा अलीगढ़ का चिप्सोना 500-650, हाइब्रिड आलू 350-500 रुपये। मुंबई की बात करें तो 25,000 कट्टे की आमदनी, एक्स्ट्रा सुपर आलू 14-15 रुपये किलो, शुगर फ्री सूखे हुए, हल्की क्वालिटी के 12-13 रुपये किलो। जूट वाला आलू दोस्तों गीला एक्स्ट्रा सुपर आलू वो बिक रहा है आपका 13-14 रुपये 15 रुपये किलो तक, बहुत बढ़िया हो वीवीआईपी, हल्की क्वालिटी का 12-13 रुपये किलो। हल्के आलू भी हैं दोस्तों मंडियों में तो हल्की रेट बिक रहे हैं, अच्छे आलू अच्छी रेट बिक रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वालिटी में दिक्कत इसी साल हुई है, क्वालिटी दोस्तों लास्ट ईयर क्या था, थोड़ा मीडियम साइज़ था, इस बार कलर नहीं है आलू के ऊपर, और जिस आलू में कलर है उस आलू की पूछ है। शमशाबाद फतेहाबाद की बात करें तो आज भी आलू दोस्तों वहाँ पे बहुत अच्छे रेट बिक रहे हैं, जो 302 हैं वो चमक है वहाँ पे गोभी के खेतों की, और कैसे हो सकता है, वो फसल पे पिछले साल ज़्यादा बारिश हुई नहीं थी, एकदम चमकीला आलू है और उसकी डिमांड है मंडियों में, इसलिए उसके रेट अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है 37-97 अगर खंदौली का CPRI वाला ये गोल चाल वाला होता है इसकी बात करें तो ये भी नए बीज है। एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी चमकदार आलू है वो भी बहुत अच्छी रेट बिक रहे हैं। आलू कोल्ड स्टोर पे व्यापारियों को भी तलाश है कि आलू वीवीआईपी मिलना चाहिए और बहुत अच्छा मिलना चाहिए, पर दोस्तों आलू जो अच्छे नहीं है उनके हल्की रेट है, और जो बढ़िया आलू है उनके आज भी रेट अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है गुल्ले की बात करें तो वही बिक रहा है 300-350 रुपये तक बढ़िया गुल्ला, कुछ कोल्ड स्टोरों पर तो वही 250 रुपये भी बिक रहा है, हर तरह की रेट है दोस्तों। तो व्यापारियों को लाभ भी इस बार काफ़ी कराया जा रहा है। अब चक्कर क्या है कि कोल्ड स्टोर मालिक हैं ज़्यादातर व्यापारियों के ऊपर आलू देते हैं व्यापारियों को, तो रिस्क बहुत बड़ा लेते हैं। अब उन लोगों को क्या करना है, उनको फिलहाल तो व्यापारी ही दिखाई दे रहे हैं भाई इनसे पैसा हमारा जल्दी से जल्दी रिकवर हो। कुछ लोगों ने अपने मिलने वाले, कुछ लोगों ने अपने दोस्त, कुछ लोगों ने कोल्ड स्टोर वालों ने डमी आदमी खड़ा कर देते हैं, व्यापारी खरीद वो खुद लोग कराते हैं और अपना आदमी कर देते हैं, तो वो काय को महंगा खरीदेंगे, उन्हें भाई उसमें भी व्यापार में भी पैसा कमाना है, ये स्थिति हो गई है। तो कुछ कुछ मंडियों में यही स्थिति है दोस्तों, और कुछ कुछ कोल्ड स्टोरों में भी यही स्थिति है। अब आप सब किसान भाइयों को समझदारी दिखानी है, ऐसी जगह पे व्यवस्था बनाएं, ऐसी जगह पे अपना आलू रखें जिन कोल्ड स्टोरों में आप लोगों का व्यवहार और बिक्री अच्छी रेट हो रही है। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे। वैसे इस साल ये है कि सरसों की बुवाई कम हुई है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है दोस्तों कि आलू ज़्यादा लगेगा, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, क्योंकि हमारे यहाँ सरसों नहीं बिकी इस साल, 4-5 कट्टे में दुकान पे से सरसों की बेच लेता था जबकि सरसों की बेल्ट नहीं है, इस बार 1-1.5 अब पूरा खिंच के 2 कट्टे ही बिके हैं बस। तो आप जो समझ लो कहीं ना कहीं
बहुतायत वाला मामला हो जाता है। इसलिए दोस्तों मैं आप सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, सोच समझ के अपना निर्णय लें और अपना काम करें। बाकी बारिश जिन एरियों में हुई है भाई, पंजाब के किसान मेरे से डेली बात होती रहती है, पंजाब के किसानों के साथ मेरी बहुत गहरी संवेदना है और उनके दुख में मैं भी शामिल रहूँगा पूरी तरह से, क्योंकि दोस्तों धान के जो जिन किसानों का धान पक रहा था उसके ऊपर अगर बारिश हुई है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और सही बात तो यह है कि लिमिट की बुवाई करें तभी मिलेंगे सम्मानजनक रेट। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो।